the Grand Palace, Indoor Tour Matri Hall, Banquet Hall, Conference Hall, Vishal Parking Area, Pure Veg Family Restaurant Pata hai, Sai Vatika ke paas, Bhopal Road, Sagar. सागर के देवरी एसडीएम ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अपमानित करने का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच करने की मांग को लेकर आवेदन दिया है। बता दें कि 14 अक्टूबर को पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक हर्ष यादव के नेतृत्व में फसल क्षति राशि में भेदभाव करने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया गया था। इसी प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता राजकुमार बजाज पर एसडीएम के खिलाफ अमर्यादित शब्द बोलने के आरोप लगे हैं, जिस पर शनिवार की शाम इसी वीडियो के आधार पर एसडीएम सीएल वर्मा ने देवरी थाने पहुंचकर कांग्रेस नेता राजकुमार बजाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। रविवार को एसडीओपी पूजा शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इस पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच की मांग की गई है। विधायक हर्ष यादव ने कहा कि सीएल वर्मा का शिकायत करने वालों से रवैया ठीक नहीं रहता है, उन्होंने झूठा मामला दर्ज करवाया है, किसी नेता ने कोई अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अनुभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा बदनीयत से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जो किसानों की मांग को लेकर स्थानीय समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने गए थे, लंबे समय से अनुभागीय अधिकारी की शिकायत है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए शिकायत करने कांग्रेस जन उपस्थित होते हैं, वो बात करते हैं तो इस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनकी मुखिया के निर्देश पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर ऐसा झूठा मामला बनाया गया है। ना कोई अमर्यादित भाषा बोली गई है, ना असंसदीय भाषा बोली गई है, मगर जिस तरह से प्रथम दृष्टया बगैर कोई इसकी संज्ञान की जांच करते हुए ना आरडीओ की जांच की गई, ना वीडियो की जांच की गई, और जिस तरह से अपराध पंजीबद्ध किया गया है, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की संलिप्तता उजागर होती है। हम लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है, इसकी पूरी जांच की जाए, और जांच नहीं करेंगे तो हम सभी वरिष्ठ नेता गांधीवादी तरीके से, गांधीवादी पार्टी के लोग हैं हम लोग, बेहद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, मगर हम अपनी आवाज़ दबाने का जो कुचक्र चल रहा है देवरी विधानसभा में हमारी पार्टी के नेताओं की फीस बनाकर खुद आवाज नहीं दमे। वहीं एसडीओपी पूजा शर्मा ने बताया कि एसडीएम ने थाने आकर राजकुमार बजाज के खिलाफ अपमान करने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर से कांग्रेसियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। 14 तारीख के दिन शाम को एसडीएम महोदय के द्वारा थाने में आकर कांग्रेस के नेता रजन बजाज के विरुद्ध अपमानित करने के उद्देश्य की गई बातचीत को लेकर अपराध दर्ज कराया गया था, उसका अपराध को दर्ज कर लिया गया। अंत में कांग्रेस के सभी वरिष्ठजनों ने आकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए पूरी तरह आश्वासित किया गया है, निष्पक्ष जांच के उपरांत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। देवरी से सौरभ नगरिया, सागर टीवी न्यूज। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर टोर मैट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।